हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रसोई लाजवाब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भेज बिरयानी की रेसिपी। ये मैं इंस्टेंट कुकर में बना के फटाफट तैयार करूँगी। ये बहुत जल्द बन जाती है और बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसे कि हम हांडी में बना के तैयार करते हैं, और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और बनाना बहुत आसान है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन। पैन में मैं ऑयल गरम करूंगी, और भेज बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिया है सबसे पहले थोड़े से पनीर। पनीर के मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, जिसे मैं गरम तेल में डाल के इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूंगी। इसे मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करूंगी, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। उसके बाद मैं इसे निकाल लूंगी। और इसके बाद मैंने लिया है दो बड़े साइज का प्याज, वो लंबे शेप में चॉप किया हुआ, जिसे मैं अच्छी तरह से डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। इससे बिरयानी की टेस्ट बढ़ जाती है। प्याज को हम इसी तरह से चलाते हुए डीप फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से डार्क ब्राउन कलर की हो जाएगी तब हम इसे निकालेंगे। इसे क्रिस्प होने देना है, लेकिन इसे चलाते रहना है जिससे कि ये जले नहीं। बिरयानी के लिए हम प्याज को सूखा के भी रख सकते हैं, और सूखा हुआ प्याज बहुत जल्द फ्राई हो जाती है। तो अगर हमारे पास जब सूखा हुआ ना हो तो हम कच्चे प्याज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सूखा हुआ प्याज हो तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम कुकर में ऑयल गरम करेंगे और उसमें दो तेज पत्ता डालेंगे, एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, दो बड़ी इलायची और कुछ खड़े मसाले डालेंगे, लौंग, दालचीनी और छोटी हरी इलायची और दो हरे मिर्च काट के डालेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़े से कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का सा भूनने के बाद इसमें हम थोड़े से कटे हुए फूल गोभी डालेंगे, और उसके बाद इसे भी हम थोड़ा सा हल्का भूनेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें बाकी की सब्जियां डालेंगे। तो एक कटोरी हम आलू डालेंगे छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए, और एक कटोरी गाजर, हाफ कटोरी इसमें हम बीन्स डालेंगे, और हाफ कटोरी मटर डालेंगे। मटर हमारे पास जो अवेलेबल हो, फ्रेश हो या फ्रोजन वाले, हम कोई भी इसमें डाल सकते हैं। सब्जियां आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी सब्जियां ना पसंद हो तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। सब्जियों को 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और 1 छोटी चम्मच इसमें हम मिर्च पाउडर डालेंगे, और नमक स्वादानुसार डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला, और अब हम इसे सभी मसालों को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से 1-2 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे फ्राइड पनीर, और इसे 2 बार चला के इसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। इसी स्टेप में हम दही डालेंगे। दही हमेशा ताजी यूज करनी है, खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, तब हम गैस को ऑन करेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे दही फटेगी नहीं। अब हम गैस को ऑन कर देंगे। दही मिक्स किए हो गए 2-3 मिनट, तो अब हम गैस ऑन कर लेंगे। मसाले अब अच्छी तरह से भून गए हैं, तो इसमें डालेंगे हम 1 गिलास पानी। मैंने चावल 1 गिलास लिया है, तो पानी 1.5 गिलास डालना है। तो पहले मैं 1 गिलास इसमें डालूंगी सब्जियों के साथ, और थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया पत्ता। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। तो मैंने 1 गिलास इस गिलास से चावल लिया था, जिसे मैंने धोकर 20-25 मिनट के लिए भिंगो के रख दिया था। अब मैंने इसका पानी निकाल लिया है और इसे कुकर में डालूंगी। अब हम सारे चावल को कुकर में फैलाते हुए अच्छी तरह से एक लेयर के तरह हम डालेंगे।
बिरयानी के लिए हम बासमती राइस ही यूज करेंगे, इससे बिरयानी अच्छी बनती है। चावल को मैंने फैला लिया है, अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। आप इसके जगह 1 टीस्पून गरम मसाला भी डाल सकते हैं, बिरयानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं। और सबसे लास्ट में इसके ऊपर मैंने जो प्याज को ब्राउन करके रखा था उसे मैं डालूंगी। अब मैं इसमें भींगे हुए केसर को डालूंगी, इसे मैंने दूध में 10-15 मिनट पहले भिगा के रखा था। केसर को आप दूध या पानी किसी भी चीज में भिगा के इसमें डाल सकते हैं, इससे इसकी टेस्ट और भी इनहेंस हो जाती है। 1 गिलास चावल के लिए 1.5 गिलास पानी लेना होता है, तो हम मैंने 1 गिलास पानी सब्जियों के साथ डाला था और 1/2 गिलास मैं अभी डालूंगी। और थोड़ी सी नमक मैं फिर से डाल रही हूँ चावल डालने के बाद। सब नमक मैंने पहले सब्जियों में भी डाला था, तो इसी स्वादानुसार आप नमक डालेंगे, जिससे कि नमक इसमें ज़्यादा ना हो। बिरयानी बनाने के लिए चावल का 1.5 गुना पानी लगता है, अगर चावल की क्वालिटी अलग हो तो थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके 1 सीटी लगा लेंगे। गई है, हम गैस को सिम कर देंगे और 2 मिनट के लिए सिम पे इसे पका लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं सीटी लगे हुए, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर का प्रेशर निकल जाने देंगे, ठंडी होने पर हम सर्व करेंगे। कुकर ठंडी हो गई है, प्रेशर निकल गई है, अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए बिरयानी बनके बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, बिल्कुल खिले खिले बने हैं, चावल आपस में चिपके नहीं हैं। और कितनी जल्दी बिरयानी कुकर में बनके तैयार भी हो गई है और बहुत टेम्पटिंग दिख रही है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।